हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंकिता तिवारी। आपका वेलकम है एक्टुब्रेंस क्लासेस पे। ये प्लेटफॉर्म पे मैं आज से आपको UPSC वीडियो एग्ज़ाम के लिए GS से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं या GS से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, वो मैं यहाँ पे आपके क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि UPSC ने अभी जो वीडियो का एग्ज़ाम 26 और 27 जून को होने जा रहा है, उसमें सब्जेक्ट कितने आने हैं। तो उसमें तीन सब्जेक्ट आने हैं, हिंदी आनी है, रीजनिंग आनी है, हिंदी रीजनिंग। आप मेरी राइटिंग पे ना जाएं, मैं जो बोल रही हूँ उसको सुने कृपया करके, ये नहीं समझ पाएंगे आप। तो हिंदी रीजनिंग और जीएस या जीके, जो भी आप कह लें, जीके। तो जीएस और जीके का पोर्शन हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, आपके साथ एक प्लान शेयर करेंगे जो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल हो सकता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जीएस के रिगार्डिंग या जीके को हमें कैसे टैकल करना है वीडियो री एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले जीएस और जीके को हम कैसे टैकल करेंगे। जब भी आप कोई भी प्रिपरेशन करें, कोई भी वैकेंसी आ रही है उसकी प्रिपरेशन करना शुरू करें, तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर किसका, UPSC का कर लीजिए। यहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें पता चल जाएंगी कि प्रायोरिटी में क्या रखना है आपको, कैसे कैसे जीएस को पढ़ना है, क्योंकि जीएस बहुत ही लेंदी और बहुत ही ब्रॉड इसका सिलेबस है। तो इसको टैकल करने के लिए आपको अच्छा खासा प्लान चाहिए होगा और UPSC के प्रीवियस ईयर पे आपका कमांड काफ़ी अच्छा होना चाहिए। इसके साथ आप UPSC के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, लोक सेवा आयोग जो भी कराता है, यूपी लोक सेवा आयोग जो भी एग्ज़ाम कराता है, उसको आप देख सकते हैं, उसके सारे पेपर यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, वो आपके लिए और भी ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, UPSC के प्रीवियस ईयर करना है। कोई भी बुक ले लीजिए, मार्केट चले जाइए आप, यूथ कॉम्पिटिशन है या और भी किसी भी प्रकाशन का जो आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, आप बुक ले आएंगे और इसके सारे के सारे सेट, जो भी 50-60 सेट अभी तक हो चुके हैं, जो भी एग्ज़ाम पेट वगैरह का जो भी एग्ज़ाम हुआ है, सबका जीएस का पोर्शन आप यहाँ से कवर करेंगे। सबसे पहले इतना कवर करने के बाद, और इसमें भी अगर जैसे ये आप शुरू करेंगे कवर करना, तो यहाँ पे सबसे पहले वीडियो के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो 2018 में हुआ हो, 2016 में हुआ हो, 2015 में हुआ हो, 2016 का री एग्ज़ाम हुआ हो, ये सबसे पहले यहाँ कवर करेंगे आप। प्रीवियस ईयर पढ़ने का मतलब ये है कि प्रीवियस ईयर जब आप करेंगे तो वहाँ पे हर एक ऑप्शन, ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ते गए जो ऑप्शन सही लगा बस उसको पीछे से देखते गए और आगे बढ़ते गए, नहीं। प्रीवियस ईयर जब आप करेंगे सॉल्व तो कैसे करेंगे, हर एक क्वेश्चन के चार ऑप्शन दिए रहते हैं, इन चारों ऑप्शन को आपको ध्यान में रखना है कि इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके वीडियो के एग्ज़ाम में आता है या कमिंग कोई भी एग्ज़ाम होता है वहाँ पे आता है, तो आपके दिमाग में ये चारों ऑप्शन रहने चाहिए और वहाँ पे आप इनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आप उसको कर ले जाएं, ठीक है। और प्रीवियस ईयर से रिलेटेड और एक बात, प्रीवियस ईयर के समय एक और बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको ये देखना पड़ेगा कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बने हैं, करंट से क्वेश्चन ज़्यादा बने हैं, कंप्यूटर से क्वेश्चन ज़्यादा बने हैं, हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी, इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बने हैं। प्रीवियस ईयर करने का मतलब दो एक मोटी मोटी बात होती है करने का, कि ये पता चल जाए कि डेप्थ क्या है, क्वेश्चन जो भी बनेंगे हमारे उनकी गहराई क्या होगी। तो क्वेश्चन का लेवल आपको पता चल जाएगा यहाँ से, और दूसरी चीज़ क्या पता चल जाएगी कि क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा बने हैं, तो ज़्यादा कहाँ से क्वेश्चन बने हैं, जो ज़्यादा क्वेश्चन बनने
का तरीका है वो आपको एक पता चल जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा उठ रहे हैं और क्वेश्चन के पैटर्न का पता चल जाएगा आपको यहाँ से, अगर आप प्रीवियस ईयर जब कंप्लीट करेंगे तो। सबसे पहले आप तैयारी शुरू करेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे। अभी तक तो आपका प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो चुका होगा आई थिंक, अगर नहीं हुआ है, जैसे कुछ एग्ज़ाम अभी लगे हुए थे, जैसे वंदरोगा का एग्ज़ाम था और भी कोई एग्ज़ाम एक दो लगे हुए थे, तो वो सारे बच्चे अभी भी इसको टाइम है ले आ करके बुक प्रीवियस ईयर की, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लें। यहाँ से आपका 25 से 30% आई थिंक कि कवर हो जाना चाहिए ये प्रीवियस ईयर से, क्योंकि प्रीवियस 50-60 सेट हैं तो वो आप करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हो जाएगा। आप 5-6 सेट एक दिन में कर सकते हैं, या आप अलग अलग, जैसे GS एक दिन कर लिया, फिर रीजनिंग एक दिन कर लिया, हिंदी, ऐसे अलग अलग करके भी कर सकते हैं, या तो आप सेट वाइज पूरा पूरा सेट लगाते जाइए, जो आपको सुटेबल ज़्यादा हो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर, चलो हमारा प्रीवियस ईयर मान लेते हैं, प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो गया। अब दूसरी बात हमें क्या करनी है, प्रीवियस ईयर कंप्लीट करने के बाद, अच्छा प्रीवियस ईयर कंप्लीट जब कर लेंगे आप तो इतना तो पता चल जाएगा कि अब पढ़ना क्या है, हमें रिवाइज़ क्या करना है। पढ़ तो चुके होंगे, रिवाइज़ ही करने का टाइम है अभी, तो बहुत बेसिक से पढ़ने का कोई टाइम बहुत ज़्यादा बचा नहीं है, तो 1-1.5 महीने हैं, 45-46 दिन हैं अपने पास अभी, तो सिर्फ रिवाइज़ ही कर सकते हैं। तो GS के रिगार्डिंग यहाँ हम बात कर रहे हैं, तो GS के रिगार्डिंग हम देखेंगे जब ये प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर चुकेंगे आप, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो UP से बन रहे हैं। तो हम प्रायोरिटी में क्या रखेंगे, जब GS पढ़ना शुरू करेंगे तो हम UP पढ़ना पहले शुरू करेंगे, पहले हम UP को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, जितने भी क्वेश्चन UP के बने हैं आप उसको एक आप स्पेशल बुक ले लीजिए UP की, कोई भी बुक ले सकते हैं, जैसे परीक्षावाड़ी ले लिया, या घटना चक्र की आती है, पूर्वालोकन ले लिया प्रीवियस ईयर करने के लिए, तो यूपी स्पेशल को यहाँ से कवर करेंगे। यूपी स्पेशल को कवर करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यूपी का एग्ज़ाम है, तो यूपी से क्वेश्चन भर भर के आते हैं यहाँ पे, और इसके रिगार्डिंग सारे, मतलब यूपी का हिस्ट्री, यूपी की हिस्ट्री, यूपी की ज्योग्राफी, यूपी का करंट अफेयर, यूपी का स्पोर्ट, यूपी अवार्ड, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी यूपी का, ये सारी चीज़ें, यूपी की सभी चीज़ें आपको कवर करनी है, बहुत अच्छे से कवर करनी है। यहाँ पे जो भी नदियाँ हैं, नदियों से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं वो करना है। ये एक एक टॉपिक हम बाद में इसको डिस्क्राइब करेंगे, फिलहाल अभी के लिए मैं बता रही हूँ कि आपको प्रायोरिटी में क्या रखना है और कैसे GS को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम प्रायोरिटी में यूपी रख सकते हैं, यूपी को हम प्रायोरिटी दे सकते हैं, और यूपी पढ़ने के बाद फिर हम क्या करेंगे, यूपी हमने रिवाइज़ कर लिया, रिवाइज़ कितनी बार किया, एक बार पढ़ना नहीं है, एक बार में कुछ नहीं होगा, कम से कम 3 बार, कम से कम मैं बता रही हूँ कि 3 बार, अगर आपको और टाइम मिलता है तो आप इसको और रिवाइज़ कर सकते हैं। और एक बात और, जब ये पढ़ना आप शुरू करेंगे, रिवाइज़ करना शुरू करेंगे एक तरफ से, तो रिवीजन का भी मैं तरीका थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर दूं कि रिवीजन का तरीका क्या होगा आपका। तो रिवीजन, आप फैक्ट, इसके आपके पास एक पेन और पेपर हमेशा होना चाहिए जब आप रिवाइज़ कर रहे हैं कोई चीज़, कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, आपके पास पेन और पेपर ज़रूर होना चाहिए। यहाँ पे छोटे छोटे फैक्ट्स आप लिखेंगे, इस फैक्ट्स को आप लिख लेंगे पेजेस पे अपने, या जो चीज़ आपको लग रही है कि ये ज़रूरी है लेकिन माइंड से निकल जाएगी उसको यहाँ सब नोट डाउन करेंगे आप, पूरा पेजेस में इसको नोट डाउन करके सारे पेजेस को क्लब करेंगे पिन से, पिंच करके इसको अपने जहाँ भी आप पढ़ते हैं, टेबल चेयर पे पढ़ते हैं, बेड पे पढ़ते हैं, कुछ कहीं भी जो आपका कॉर्नर है, स्टडी कॉर्नर है, वहाँ टेबल पे ये पिंच करके आप रख लेंगे, और इसको सुबह शाम दोपहर दवा की तरह 3 टाइम इसको देखते जाएंगे, तो ये आपका विद इन अ मंथ आपका ये बिल्कुल आपको याद हो जाएगा, दिमाग में आपके एक रिदम की तरह ये चला जाएगा कि ऑप्शन देखने पे, ऐसे तो हो सकता ना याद आए, लेकिन ऑप्शन देखने पे आप पक्का कर लेंगे
अगर इस तरीके से आपने पढ़ा तो करंट अफेयर को भी रिलेट करके पढ़ना है आपको। कोई भी चीज़ है लॉजिक बना के पढ़नी है कि दिमाग में लॉन्ग टर्म तक चीज़ें रहें हमारे साथ। तो हम जब ये यूपी कंप्लीट कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे अपना, तो फिर दूसरी चीज़ हम क्या पढ़ेंगे? ये तो यूपी पढ़ लिया, यूपी पढ़ लिया, अब दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे करंट अफेयर। करंट अफेयर पढ़ेंगे हम। करंट अफेयर कैसे पढ़ना है? करंट अफेयर बहुत लोग यूट्यूब से पढ़ते हैं, बहुत लोग मैगजीन से पढ़ते हैं, चाहे जैसे भी आप पढ़ें, लेकिन दिमाग में बातें रहनी चाहिए एग्ज़ाम तक। तो एग्ज़ाम तक बातें रहें दिमाग में, उसके लिए क्या करेंगे आप? अगर मैगज़ीन आप ले आते हैं, मैं पढ़ती हूँ मैगज़ीन से, मुझे यूट्यूब थोड़ा सा उतना मेरे दिमाग में बातें नहीं घुस पाती हैं जितना मैगज़ीन से होती हैं। तो मेरा तरीका तो है मैगज़ीन का, मैं दो मैगज़ीन ले आती हूँ, कम से कम दो मैगज़ीन मेरे पास होती है, और मैं पेज वाइज 4 पेज आज, 5 पेज आज, 6 पेज ऐसे करके मैं पूरी मैगज़ीन सुबह मॉर्निंग में उठते ही, सुबह सुबह उठने के बाद पहले इसका डोज लेना है आपको, 5-6 पेज करंट अफेयर का डोज लेना है, इसके बाद कोई काम करना है। तो ये मेरा तरीका है कि मैं मैगज़ीन ले आके सुबह सुबह मैं करंट अफेयर को कवर कर लेती हूँ, क्योंकि करंट अफेयर हर एक पोर्शन के लिए ज़रूरी है। यूपी का भी करंट आना है, अंतर्राष्ट्रीय करंट है, स्पोर्ट है, करंट का पार्ट तो जानते हैं बहुत ज़्यादा है, और पहले कभी पढ़ा नहीं होता है इसलिए चीज़ें दिमाग में रहती भी नहीं हैं, तो इसको हमें 3-4 बार पढ़ना भी होता है। तो जैसे दो मैगज़ीन आप ले आए तो उसको कंप्लीट करिए, ऐसा नहीं कि बस मतलब मैगज़ीन ले आके रख लिया, इम्पॉर्टेंट देख लिया, उसमें से छांट वांट लिया, ऐसा नहीं करिए। हाँ, कुछ चीज़ें आप छांट सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आप ये कवर करिए, उसको पढ़िए, 3-4 बार पढ़िए उस मैगज़ीन को जो आप मैगज़ीन ले आए हैं। तो ये घटनासार ले सकते हैं आप, स्पीडी ले सकते हैं, या दृष्टि की आती है वो ले सकते हैं, या घटना चक्र का भी ले सकते हैं, जिसकी लिखावट जो अच्छा लगे, आप आपकी आँखों को जो अच्छा लगे, आपके दिमाग को जो बातें समझ में आए, जिसकी राइटिंग वाइटिंग, जिसका फॉन्ट वॉन्ट देख लीजिए, तो वो मैगज़ीन आप ले सकते हैं। और करंट अफेयर को स्पेशली मैं कह रही हूँ कि करंट अफेयर को बहुत अच्छे से करिए, इसका पोर्शन बहुत ज़्यादा रहता है, ये एक मेजर रोल प्ले करता है जीएस के पोर्शन में। ये जो 50 क्वेश्चन आने हैं ना आपके जीएस के, 50 क्वेश्चंस आने हैं, इसमें कम से कम 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के बन जाते हैं, 10 क्वेश्चन रिलेटेड यूपी के बन जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि करंट अफेयर को कवर करना कितना ज़रूरी है। बाकी आप यूट्यूब से लास्ट मोमेंट पे, जैसे 15 दिन रह गया है, तो आप यूट्यूब से भी मास्टर वीडियोस वगैरह देख करके, जो कम लग रहा है कि अभी कम छूट गया है या कुछ है, तो उसको आप वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। या स्टार्टिंग से अगर यूट्यूब पे आप डिपेंडेंट हैं कि यूट्यूब से हमें पढ़ना है, तो यूट्यूब से भी पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए, दिमाग में बातें रहनी चाहिए, कुछ उसको लिख लीजिए शॉर्टकट में या कुछ भी करिए, बट चीज़ें याद रहें। अगर मैगज़ीन रहेगी तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको ज़्यादा फ़ायदा इसका मिल सकता है, बाकी आप देख सकते हैं खुद से। तीसरे नंबर पे हम क्या रख सकते हैं? तीसरे नंबर पे हम हिस्ट्री को रख सकते हैं। हिस्ट्री के 3 पार्ट हैं। एक तो है हमारा प्राचीन एंशियंट हिस्ट्री, एक है, एक हमारे मध्य है, मध्यकालीन मेडिवल हिस्ट्री जिसे बोलते हैं, और एक आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री है ये। तो इन तीनों में हिस्ट्री में क्या उठाएंगे? मॉडर्न हिस्ट्री उठाएंगे हम। पढ़ना तीनों को है हमें, लेकिन प्रायोरिटी हम सबसे ज़्यादा किसको देंगे? हम आधुनिक को देंगे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, हम किसको देंगे? मॉडर्न हिस्ट्री को देंगे। तो सबसे पहले हम मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में जैसे आप कंप्लीट कर सकते हैं युद्ध के जो भी डेट हैं, डेट, प्लेस कहाँ पे हुआ है, और पर्सन, ये ट्रिपल पी आप तैयार कर सकते हैं किनके बीच में हुआ है। तो युद्ध हो गया, और दूसरे नंबर पे आ गया जैसे कि समाज की स्थापना, आर्य समाज हो गया और ब्रह्म समाज हो गया, इस तरह के जो भी संगठन हैं, आप शॉर्टकट में कह सकते हैं कि संगठन, और किस पर्सन ने किया है,
तो ये चीज़ आप बिल्कुल फैक्ट है, सब सब जीएस है, जीएस जीके है। तो लिखा है कि सामान्य अध्ययन या सामान्य ज्ञान ही आएगा इसमें। तो ये सारी चीज़ें तो वैसे भी आपको लर्न होनी चाहिए अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो, क्योंकि ये सारी बातें हमेशा हर एग्ज़ाम में आती हैं, ये स्टैटिक चीज़ें हैं, बदलती भी नहीं हैं। तो कभी ना कभी तो आपने इसको पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं, तो रिवाइज ही तो करना है इसको। इसको अच्छे से फैक्ट रिवाइज कर लीजिए, लूसेंट से कर लीजिए, अगर लूसेंट है आपके पास तो लूसेंट से कर लीजिए, फैक्ट ही तो याद करना है। याद करने का तरीका मैंने बता ही दिया है, पेज है लिख लिया, दिन में दो बार देख लिया, महीने भर अगर देखा तो याद ही हो जाएगा, कैसे भी हो याद तो हो ही जाएगा, अगर दिन में एक दो बार भी पढ़ा है रोज तो याद हो जाएगा, हो जाएगा याद, कोई दिक्कत नहीं। और मॉडर्न हिस्ट्री में गांधी जी बहुत इम्पॉर्टेंट है। गांधी जी इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं कि जहाँ से गांधी जी शुरू होते हैं वहाँ से घटनाक्रम शुरू हो जाता है और मैच द फॉलोइंग आता है, यहाँ से हमेशा यहाँ से मैच द फॉलोइंग आता है। मैच द फॉलोइंग में सारे घटनाक्रम ही आते हैं हमारे। तो घटनाक्रम कैसे याद होगा? घटनाक्रम याद करने का बिल्कुल एकदम ईजी तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँ तो ये है कि थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड में चले जाइए, कोई ऐसी बुक हो जो आपने पढ़ी हो और इतना तो पता ही होगा कि हाँ गांधी जी वापस आए थे, फिर दांडी मार्च हुआ, उसके बाद चीज़ें शुरू हुई थी, तो वो घटनाक्रम आपके दिमाग में एक लॉजिकली फिट होना चाहिए कि इसके बाद ये हुआ था, इसके बाद ये हुआ था, जिससे कभी अगर मैचिंग के लिए आए तो अगर एक का भी आपको पता है या दो का तो बन जाता है। जनरली ऐसा देखा गया है एग्ज़ाम में कि अगर एक या दो यहाँ पे आपको याद है घटनाक्रम तो मैच हो जाता है। तो इसलिए ज़्यादा स्ट्रेस न लीजिए इसको, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आप प्रीवियस ईयर जब कर लोगे तो खुद ही पता चल जाएगा आपको कि आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, और आप पढ़ते वक्त आपके दिमाग में वो बातें क्लिक करेंगी कि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे थे तो ये चीज़ें मुझे पहले इसको कवर करना है, ठीक है। तो हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री देख लिया, मॉडर्न हिस्ट्री में जितने भी फैक्ट टाइप की चीज़ें हैं जैसे प्रेस वगैरह, प्रेस से भी क्वेश्चन काफ़ी बन जाता है, संगठन से बन जाता है, या युद्ध से बन जाता है, या जो भी सामाजिक कुरीतियाँ थी तो उनका उन्मूलन जो हुआ तो वो किस ईयर में हुआ, ऐसे करके कई क्वेश्चन बनते हैं, जैसे विधवा विवाह हो गया, बाल प्रथा हो गया, या इस तरीके के क्वेश्चन जो भी हैं उनके फैक्ट, मतलब कब कब हुए थे वो चीज़ें, और किसके कौन सा गवर्नर था उस समय, या कौन सा वायसराय था उस समय, और पहला द्वितीय, ऐसे करके जो लूसेंट में दिया रहता है कि सर्वप्रथम, तो ये चीज़ सर्वप्रथम कौन गवर्नर जनरल बना, कौन वायसराय बना, कौन लास्ट का बना, ये बातें ऐसे मॉडर्न हिस्ट्री ये कवर करना है आपको। बाकी चीज़ें आगे चल के जब हम टॉपिक वाइज क्लियर करेंगे कि टॉपिक हर टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो वो हम आगे बात करेंगे। मध्यकालीन जैसे है, मध्यकालीन जैसे है तो मध्यकालीन में यहाँ पे शासनकाल बहुत ज़रूरी होता है, कब से कब तक किसने शासन किया, ठीक है। तो ये जैसे यहाँ पे पढ़ लिया आपने, शासनकाल हो गया आपका। फिर दूसरी चीज़ जैसे कि यहाँ पे एक चीज़ और ज़रूरी होती है, किसके शासनकाल में कौन सा नियम कानून आया था, नियम कानून किसने कौन सी प्रथा वगैरह लागू की, यहाँ पे ये भी आता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें देख ली, कौन सा स्वर्ण युग था, चित्रकला का कौन सा था, कौन सा काश्तकारी का था, ये सारी चीज़ें यहाँ पे। प्राचीन में जैसे हमें पढ़ना है तो यहाँ पे पर्सन पढ़ना है, पर्सन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वंश इम्पॉर्टेंट है, वंश उनके पर्सन किसने कौन सा वंश स्थापित किया था। और जैसे यहाँ पे हर्ष को पढ़ लिया हमने, अशोका को पढ़ लिया, ठीक है, अशोका, यूपी ट्रिपल एससी को अशोका बहुत पसंद है, तो यहाँ पे आप अशोका और हर्ष जैसे लोगों को कंप्लीट करेंगे। चंद्रगुप्त को पढ़ लिया, चाणक्य को पढ़ लिया, उनकी बुकें पढ़ लिया, तो बुक तो वेरी इंपॉर्टेंट, बुक ऑथर वो कहीं का भी हो, चाहे वो आपका प्राचीन हो, चाहे आपका मध्यकालीन हो, आधुनिक हो, या फिर वो करंट अफेयर में जो अभी बुकें चल रही हैं वो हों, बुक को आपको अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा, पूरी बुक। हिंदी की भी एक दो बुकें आई हैं प्रीवियस ईयर पेपर में,
तो बुक बुक और ऑथर एक आपका टॉपिक हो जाएगा यहाँ पे, इसको अलग से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री में और भी बहुत बातें हैं, बहुत बारीक बातें हैं जो इसके अंदर टॉपिक्स सब टॉपिक्स बनेंगे, उसको हम बाद में देखेंगे। अभी फ़िलहाल मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया हिस्ट्री का, ठीक है। चौथे नंबर पे आप ज्योग्राफी रख सकते हैं। ज्योग्राफी में भी दो ज्योग्राफी है, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी है और एक इंडियन ज्योग्राफी है। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे आप? इंडियन ज्योग्राफी। नदियाँ, पहाड़, पर्वत, दर्रा, फसल, खनिज, मिनरल्स, उत्पादन, इन सब का उत्पादन वगैरह। और भी इसमें कई चीज़ें हैं, लेकिन ज़रूरी जो है क्वेश्चन जो बनते हैं यहीं से बनते हैं क्वेश्चन। तो जब इंडियन ज्योग्राफी शुरू करेंगे तो इंडियन ज्योग्राफी के चैप्टर्स हम देखेंगे कि कौन से चैप्टर्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और वहाँ पे क्या हमें पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। जैसे यहाँ पे प्रोडक्शन के कई रिपोर्ट आते हैं, रिपोर्ट, तो हमें उन रिपोर्ट को, वो रिपोर्ट कब आई थी लास्ट टाइम और उनमें क्या प्रोडक्शन रहा है, कौन सा स्टेट फर्स्ट पे रहा है, कौन सा लास्ट पे रहा है, या कहाँ प्रोडक्शन इस बार ज़्यादा हुआ है, कहाँ पे कम हुआ है, वो सब। एग्रीकल्चर का भी आता है ये रिपोर्ट और मिनरल्स का भी ये रिपोर्ट आता है। तो जो ज़रूरी बातें हैं, जहाँ से क्वेश्चन 90% चांसेस है कि बनेगा ही बनेगा, वो चीज़ें पहले हम कवर करेंगे, बाकी बातें हम बाद में एक दो बार देख लेंगे जब हमारे पास टाइम रहेगा। तो यहाँ पे ज्योग्राफी जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो आप इंडियन ज्योग्राफी से शुरू कर सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी में भी जो उसके टॉपिक हैं तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप देख सकते हैं, बाकी मुझे जो इम्पॉर्टेंट लगता है वो मैं आपको यहाँ पे अब शेयर कर दूँगी कि मैं क्या पढ़ती हूँ और मैं कहाँ से शुरू करूँगी अगर मैं करूँगी। तो ये चीज़ें ज्योग्राफी का आप पार्ट यहाँ से कन्फर्म कर सकते हैं। ज्योग्राफी के बाद आप पॉलिटी को रख सकते हैं। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, बहुत ही क्वेश्चन यहाँ से कम गलत होते हैं, इसके चांसेस कम रहते हैं अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो। क्वेश्चन बहुत कम क्योंकि कन्फ्यूज़न कम होता है यहाँ पे कन्फ्यूज़न कम रहता है, इसलिए क्वेश्चन कम गलत होते हैं। तो पॉलिटी कैसे पढ़ना है? आर्टिकल पढ़ लिया, 1, 2, 3, 4 आर्टिकल आपको 50 तक आर्टिकल आपको एकदम जबानी याद होना चाहिए, बिल्कुल मतलब मस्ट है रटना। तो 50 तक आप इसको रटेंगे, ठीक है। 50 के बाद जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है उसको पढ़ लिया, ठीक है। सूचियाँ पढ़ ली, इसकी जितनी भी सूचियाँ हैं, लिस्ट वगैरह हैं, तो लिस्ट पढ़ लिया। राज्य में क्या आता है, समवर्ती में क्या आता है, केंद्र का क्या है, ये सूचियाँ पढ़ लिया। विशेषता पढ़ लिया, कहाँ से क्या लिया गया है, किस कंट्री का क्या योगदान है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में, तो ये देख लिया। और जैसे इसके भाग देख लिए, पार्ट हमने देख लिए, किस भाग में क्या आता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक जो है, बेसिक बिल्कुल बेसिक चीज़ें आपकी बिल्कुल कंफर्म होनी चाहिए। अंदर की बातें अगर नहीं पता है तो चल जाएगा एक बार, लेकिन बेसिक नहीं गड़बड़ होना चाहिए, बेसिक पे बहुत ज़्यादा फोकस आपको करना पड़ेगा। तो ये पूरा ओवरव्यू टाइप का आपको तैयार करना पड़ेगा कि पॉलिटी मतलब हमें ये पढ़ना है, आर्टिकल पढ़ना है, लिस्ट याद करनी है हमें, विशेषता याद करना है हमें, किस कंट्री से क्या लिया गया था, हमें भाग सारे याद हों, अनुसूचियाँ सारी याद हों, जितनी भी अनुसूचियाँ हैं उनमें क्या है, कैसे है, वो सारी चीज़ें, बेसिक बातें आपको याद ही होनी चाहिए पॉलिटी की। तो पॉलिटी आप अच्छे से कवर कर लोगे, पॉलिटी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, पॉलिटी के क्वेश्चन जल्दी गलत नहीं होते हैं थोड़ा बहुत अगर पढ़ा है तो। फिर कंप्यूटर के भी 5 से 6 क्वेश्चन बन रहे हैं,
पाँच से छः क्वेश्चन आने के चांसेस हैं यहाँ पे कंप्यूटर के तो। और कंप्यूटर अच्छे लेवल का आ रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत ही इजी कंप्यूटर आया है, कंप्यूटर भी ठीक ठाक लेवल का आया है। तो कंप्यूटर को हम यहाँ से कंप्यूटर की कोई बुक ले लीजिए आप, अगर बेसिक नहीं आता है, कोई कोर्स नहीं किया है। मैक्सिमम बच्चे तो कंप्यूटर में कोई ना कोई कोर्स कर रखे हैं तो कंप्यूटर पढ़ना आसान है कंपेरेटिवली और चीज़ों के। तो कंप्यूटर की बुक ले लीजिए यहाँ पे, जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गई, मेमोरी से रिलेटेड चीज़ें हो गई, या फिर आपका जैसे प्रिंटर प्रिंटर वगैरह के बारे में हो गया डिटेल, रैम रोम मेमोरी के बारे में हो गया डिटेलिंग, इनपुट आउटपुट के बारे में हो गया डिटेलिंग, ये चीज़ें कब आया था, कौन सा कंप्यूटर कब आया और उसके जनक कौन से हैं, उसका आविष्कार किसने किया था, ये सारी बातें हो गई। तो ऐसे करके जो एक मोटा मोटा इसका टॉपिक है उसको कवर करना है कंप्यूटर में। उसके बाद साइंस, जो भी यहाँ पे टॉपिक है आपका 8-9 जो भी है, तो ये उसके बाद साइंस। साइंस में भी 3 है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है और बायो। यहाँ हम सबसे पहले बायो ले लेंगे। बायो में क्या ले लेंगे, जैसे हो गया हमारा रोग, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, रोग हो गया। फिर हो गया यहाँ की जैसे बुक हो गई, किसने क्या बनाया है, या लॉज हो गए। लॉज तो तीनों के लॉज जो बेसिक लॉज हैं साइंस के वो आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए, यहाँ पे मैचिंग के लिए आता है, मैचिंग के लिए। या जो भी आविष्कार हुए हैं, आविष्कार वो मैचिंग में बहुत बनते हैं क्वेश्चन। तो कुछ साइंस का जैसे यूनिट वगैरह अगर पढ़ना है आपको तो यूनिट वगैरह पढ़ सकते हैं आप फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में आप कुछ याद कर सकते हैं, जैसे रासायनिक सूत्र वगैरह हो गए, रासायनिक सूत्र वगैरह हो गए, ये सब याद कर सकते हैं आप। कुल मिला करके, सब मिला के अगर बात करें तो प्रायोरिटी के हिसाब से पढ़ाई करनी है आपको। प्रायोरिटी में प्रीवियस ईयर करना है, देखना है वहाँ पे, अच्छे से समझना है क्या क्वेश्चन आया है, ज़्यादा आया है, कम आया है, कैसे बना है क्वेश्चन, लॉजिक उसका देखना है, वो पढ़ना है आपको। बाकी चीज़ें और जो इसके सब टॉपिक्स होंगे इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, अभी तो मैंने बस ऐसे रफली बताया है कि ये चीज़ें पढ़नी है, ये चीज़ कवर करना है, तो ये करना है। उसके बाद में जैसे और इकोनॉमिक्स वगैरह भी है, तो इसके बाद में आप यहाँ से भी कुछ ही टॉपिक आप कवर करिए, यहाँ से पूरा कुछ नहीं करना है, बस जहाँ से लग रहा है कि ज़्यादा चांसेस हैं बनने के, जैसे बैंकिंग वगैरह, आरबीआई का कुछ फैक्ट है ये आपको याद करना पड़ेगा, आरबीआई के फैक्ट हो गए, या पंचवर्षीय से रिलेटेड जो भी पंचायत ये सब सारी चीज़ें हैं पंचायत से रिलेटेड, क्योंकि वीडियो का एग्ज़ाम है तो ग्राम पंचायत अधिकारी बनना है, तो इसमें पंचायत से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि पॉलिटी मैंने नहीं बताया, पॉलिटी में पंचायती राज इसका सोल है, बिना इसके पढ़े आप नहीं जा सकते हैं एग्ज़ाम में, बिल्कुल नहीं जा सकते हैं आप बिना इसके पढ़े हुए, और एग्रीकल्चर वगैरह भी। तो ये चीज़ ऐसे आपको पूरा डिटेल कवर करना है जीएस को, तो जीएस को लेकर के आप मतलब स्ट्रेस ना लीजिए, मैं ये कहूँगी कि स्ट्रेस ना लीजिए, बस उसको अच्छे से समझिए। अगर आपका बेसिक बहुत अच्छे से कंप्लीट नहीं है तो कुछ लिमिटेड ही पढ़ाई करिए आप, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा अभी आपका कंप्लीट हो जाएगा, नहीं, जितनी चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसको रिवाइज़ करिए, बार बार रिवाइज़ करिए, वो आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से छप जानी चाहिए, जिससे कि एग्ज़ाम हॉल में इतने प्रेशर में वो चीज़ें गलत ना हो। यहाँ पे तो लगता है कि आ ही रहा है, याद है, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में स्ट्रेस में बेसिक चीज़ें भी गलत हो जाती हैं, तो उससे बचना है हमें, बेसिक हमारे गलत ना हो। बाकी इसके रिगार्डिंग और भी जो डिटेलिंग होगी मैं आपको अगले क्लास में उसको शेयर करूँगी आपके साथ। फिलहाल के लिए आप अपना प्रीवियस ईयर पे फोकस करिए और उसको आप कंप्लीट करिए विद इन सेवन डेज प्रीवियस ईयर आप कंप्लीट करिए उसको। 10 डेज भी अगर हो जाते हैं तो ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर पे कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए कि हाँ
मैंने प्रीवियस ईयर सारे के सारे कंप्लीट कर लिए हैं और आगे तब जाके आप रिवाइज करना शुरू करें अपने टॉपिक्स को, उसमें भी प्रायोरिटी के हिसाब से कि पहले कौन सा बाद में कौन सा। फैक्ट सारे एक साथ होने चाहिए आपके, दिन में आप उसको 2-3 बार देखेंगे तो वो याद हो जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी स्टैटिक आपका काफ़ी कुछ स्टैटिक इसमें आता है तो स्टैटिक चीज़ें आपकी ज़्यादा कवर होनी चाहिए। बाकी स्टैटिक के भी मैं कई वो बता दूंगी आपको टॉपिक, जैसे अवार्ड से रिलेटेड चीज़ें हो गई, स्पोर्ट्स से हो गई रिलेटेड चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें भी आपको कवर करना पड़ेगा। तो स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से पढ़िए, आराम से पढ़िए, दिमाग में बातें घुसती रहें ऐसे पढ़िए, दिमाग डाइवर्ट ना हो आपका, इसलिए लिखते हुए पढ़िए कि कहीं इधर उधर दिमाग भागे ना। बाकी और चीज़ें आप और स्ट्रेटजी, आप अपनी स्ट्रेटजी भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।